चाय के बिजनेस के अब तक कई मॉडल देख चुके, लेकिन इस बार जो बिजनेस का मॉडल आपके सामने है वो यकीनन आपकी दिलचस्पी बढ़ाने वाला है, क्योंकि चाय के स्टॉल के साथ डिग्रियां जोड़कर, यूनिक नाम जोड़कर पॉपुलैरिटी टेस्ट में कई लोग पास हो चुके। लेकिन मुंबई की सड़कों पर अब इसका नया अवतार है। जरा पहले ये तस्वीरें गौर से देख लीजिए। पिछले कुछ दिनों से दोनों युवा बेहद वायरल हैं और उनके बिजनेस को उन्होंने नाम दिया है ऑडी टी स्टॉल वाले। ये गाड़ी है जहाँ पे वो बिजनेस करते हैं। अपने अलग तरीके से उन्होंने इस बिजनेस को स्थापित किया है और हर रोज शाम को 6 बजे के आसपास वे मुंबई के लोखंडवाला इलाके में पहुँचते हैं और मुंबई के लोखंडवाला इलाके में पहुँचने के बाद इस बिजनेस को शुरू करते हैं। पूरा सेटअप जो है वो इसी ऑडी कार में लाया जाता है। देखिए ODT ऑन ड्राइव टी इसको नाम दिया गया है। गाड़ी देखकर आप समझ रहे होंगे कि इसके मालिक मामूली नहीं होते, लेकिन यही गाड़ी अब चाय के बिजनेस की नई पहचान है और इसका नया कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि इस गाड़ी के डिक्की में मौजूद सामान से पूरा एक टी स्टॉल सजता है। इसे चलाने वाले हैं युवा अमित कश्यप और मन्नू शर्मा। लेकिन क्यों इस स्टॉल को ऑन ड्राइव टी नाम देना पड़ा, पहले ये सुनिए। तो सर, हम एक दिन रात को घूम रहे थे तो हमें चाय नहीं मिली, तो मजाक में भाई ने बोला कि चाय बेचनी शुरू करते हैं। तो मैंने कहा अगर चाय ही बेचनी है तो क्यों ना कुछ अलग तरीके से बेची जाए। तो मैंने कहा घर पे ऑडी खड़ी है, वैसे भी खड़ी है, तो ऑडी में चाय बेच रहे हैं, क्या एक अट्रैक्शन मिलेगी। मुंबई क्या है, थोड़ा दिखाना पड़ता है लोगों को, तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो ज़रूर बना। पर जो हमारा चाय का टेस्ट है वो इतना बेहतरीन है कि आप चाय एक बार पियेंगे तो आप अपने आप दोबारा आएंगे। अमित और मन्नू हरियाणा के रहने वाले हैं। अभी ज्यादा दिन ही बीते हैं जब इन्होंने मुंबई का रुख किया है। दोनों का वीडियो वायरल हो गया है, यही वजह है कि इनके चाय के स्टॉल को अच्छा रिस्पांस मिला है। हालांकि मन्नू का दावा है कि चाय का स्वाद उनकी बड़ी USP है, यही वजह है कि दोनों अब इसके विस्तार करने का मन बना चुके हैं। शहर वालों का, गांव वालों का पूरा सपोर्ट रहा है, हमेशा हमारे साथ रहे हैं। पर हाँ, लोग जरूर अलग अलग सवाल पूछते हैं, पर मैं उसमें कहता हूँ कि अगर आप बड़ा काम कुछ नहीं कर सकते तो छोटे काम को ही बड़ा कर दीजिए, तो उससे क्या है, लोग हमसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लोग हमारी सराहना भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। कुछ लोग हैं जो मीम भी बना रहे हैं, तो हमको सब चीज़ें अच्छी लग रही है सर, हमको मोटिवेशनल मिल रही है उस चीज़ से। अमित और मन्नू अपने इस काम को छोटा नहीं मानते, बल्कि दुनिया के नजरिए से सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि इस छोटे काम को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। मुंबई जैसे शहर में एक बिजनेस सेटअप करने में बहुत समय लगता है, मगर जिस तरीके से इन दोनों ने शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, और बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिल रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।